खबर मधुबनी जिले से आ रही है, जहां खेरता पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक होंडा कार समेत 1680 बोतल शराब को जब्त किया है। वहीं तस्कर भागने में सफल हो गया। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर बेनीपट्टी इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार की अली सुबह नेपाल से शराब लेकर आने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण के निर्देश पर ASI धर्मदेव प्रसाद सिंह दलबल के साथ सुनई गांव की ओर प्रस्थान किए, जहां सेमली पुल के पास पहुंचते उक्त कार को आते देखा गया, लेकिन तस्कर ने पुलिस की जीप को दूर से ही देख शराब समेत चार पहिया होंडा कार को छोड़ भागने में सफल हो गया। उन्होंने बताया कि भागे गए तस्कर हालांकि थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी भरत साफी व प्रेम कुमार महतो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा उक्त दोनों तस्कर को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दे दिया गया। इधर खेर पुलिस के द्वारा लगातार हो रही शराब तस्करों पर कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मधुबनी जिले से RG बिहार न्यूज के लिए गोपाल राजा की रिपोर्ट। धन्यवाद। गुप्त सूचना के आधार पर सोनई गांव से एक होंडा कार में कुल 1680 बोतल करीब 504 लीटर नेपाली देसी शराब सोफी बरामद हुआ है। आदमी लोग जो उसका अपराधी था वो पुलिस गाड़ी देख करके भागने में कामयाब रह गया है। किन किन लोगों पर सर नाम दर्ज किया गया? इसमें दो व्यक्ति का नाम आ रहा है, एक भरत साफी और एक प्रेम कुमार महतो का नाम आ रहा है जो कि इस धंधे में लिप्त हैं। सर शराब कहाँ से और कहाँ ले जाएगा? नेपाल से। अब माफिया लोग बेचने के लिए भारत में प्रवेश करके ले आ रहे थे।